अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको लेकर आए हैं कराची की मशहूर व मारूफ़ स्टूडेंट बिरयानी पर। आपको देंगे यहाँ का जेन्युइन रिव्यू कि यहाँ का खाना कैसा है और बिरयानी का टेस्ट कैसा है, और यहाँ के मशहूर शामी कबाब जिनका काफ़ी मैंने नाम सुना है, बताएंगे आपको कि कैसे हैं वो कबाब खाने में। तो फिर चलिए हमारे साथ। सबसे बुरी बात जो मुझे यहाँ लगी वो ये थी कि इन्होंने दूर से ही कैमरा देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया था कि वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। तो कहने की बात ये है कि अगर आप सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर ठीक से काम कर रहे हैं अपना, तो फिर वीडियो बनाने में कोई हर्ज तो नहीं है। यह है यहाँ का मेन्यू, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ क्या क्या दस्तियाब है खाने में। यह है स्टूडेंट बिरयानी की बालकनी से नज़र आने वाला कराची शहर का नज़ारा। अजान हो रही थी और शाम का टाइम था, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। हमारा ऑर्डर किया गया खाना आ चुका था। हमने मंगवाई थी चिकन बिरयानी, शामी कबाब, हलीम, और बच्चों के लिए मंगवाए थे शीरमाल। कबाब अच्छे थे और बिरयानी और हलीम ये कुछ ख़ास नहीं थे। मतलब एक होता है कि शहर में इतना मशहूर ब्रांड है, इतना पुराना नाम है स्टूडेंट बिरयानी का, लेकिन आप यकीन करें कि जैसे स्टूडेंट की बिरयानी है इस वक्त और जो हलीम है, आप कराची में जा बजा बिरयानी सेंटर हैं, आप किसी भी जगह चले जाएं, स्टूडेंट बिरयानी किसी भी तरह से अपना लेवल खो चुकी है। कोई मयार नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। इस तरह की बिरयानी कराची में 85 जगह मिल रही हैं, बस नाम चल रहा है आप कह लें। मतलब ऐसी बिरयानी नहीं है कि आप इसके नाम की वजह से आप इतना सुनकर आएँ कि स्टूडेंट बिरयानी मशहूर बिरयानी है तो टेस्ट भी होगा, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। एक नाम था, एक मयार था, वो अब बिल्कुल भी यहाँ दस्तयाब नहीं है। तो अगर आपने कबाब खाने हो तो कबाब यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिरयानी और हलीम आप यकीन करें कि बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा। खैर, ये था आज का व्लॉग, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।